मैट्रिक और इंटरमीडिएट की स्कीम ऑफ स्टडीज में तब्दीली का मामला, चेयरमैन लाहौर तालीमी बोर्ड ने खबरों की तर्दीद कर दी। चौधरी मोहम्मद इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले कुछ दिनों से स्कीम ऑफ स्टडीज में तब्दीली की खबरें चल रही हैं। इम्तिहानात साबिक तरीके कार के मुताबिक ही होंगे। हम अपने तौर पे अदारे की तरफ से, लाहौर बोर्ड की तरफ से ये हर तरह से क्लियरेंस देना चाहते हैं कि लाहौर बोर्ड की तरफ से बनाई गई स्कीम ऑफ स्टडीज में कोई तब्दीली नहीं हुई, कतन किसी किस्म की तब्दीली नहीं है। उसी तरह पेपर सेट हुए हैं जिस तरह पिछले सालों में होते रहे हैं। चेयरमैन लाहौर तालीमी बोर्ड चौधरी मोहम्मद इस्माइल का कहना था कि स्कीम ऑफ स्टडीज कैरिकुलम विंग बनाता है। आखिरी बार 2014 में स्कीम ऑफ स्टडीज तब्दील की गई। ये स्कीम ऑफ स्टडी कैरिकुलम विंग बनाता है। पहले ये इस्लामाबाद से आती थी, जब हमारे फेडरल मिनिस्टर फॉर एजुकेशन होता था, मिनिस्ट्री एजुकेशन मिनिस्ट्री फेडरल में होती थी। अब तो ये डिवॉल्व हो गया 18th अमेंडमेंट के तहत सब्जेक्ट, तो ये हमारे प्रव्यू में आता ही नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कंट्रोलर लाहौर तालीमी बोर्ड मोहम्मद नासिर जमील भी शरीक हुए। कैमरामैन सलीम गुराया के साथ इमरान लतीफ, लाहौर न्यूज़।